अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। और आज था संडे और मैं सुबह सुबह उठी थी, सब अभी सोए हुए थे तो खुद फ्रेश हुई हूँ। और मैंने जो है ना एक रात पहले ही किचन अच्छी तरह से साफ़ करके मैं सोई थी। किचन साफ़ हो जाए तो सुबह अच्छे से उठ के फ्रेश होता है बंदा। किचन में जाके काम करने में मज़ा आता है, नाश्ता बनाने में मज़ा आता है। और सुबह सुबह उठ के मैं पानी का एक या दो गिलास तो मस्त ले ही लेती हूँ। तो एक तो उसमें सुबह सुबह उठने के साथ ही ले लेती हूँ, और दूसरा जो है ना मैं नाश्ता बनाते बनाते भी एक दो गिलास में पी लेती हूँ। और अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए सुबह सुबह पानी दो गिलास पीने से। मैं फिर नाश्ता बनाने लग पड़ी थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं जो है ना सुबह नाश्ता बना लिया। आपको पता है कि नाश्ते में स्पेशल बस चाय, अंडा और पराठा बहुत ज़बरदस्त रहता है, अच्छा होता है। ऐसा नाश्ता करने से ना जो है ना अच्छा फील होता है बॉडी को। और जो है ना और मैं जो है ना पराठा जब बनाती हूँ ना तो उसके लिए आटे के अंदर मैं हल्का सा घी ज़रूर लगा लेती हूँ। इससे पराठा सॉफ्ट बनता है और क्रंची सा बनता है। और जो है ना चाय मेरी तकरीबन बन चुकी थी, और अब मैं पहले पेड़े बना के रख रहा हूँ, थोड़ा नरम हो जाता है इस तरह से, और फिर बेलन से मैं बेल लेती हूँ। और फिर ये देखिए बहुत ज़बरदस्त गोलाई में मैं बन गया पराठा। मैं चूल्हे का जो है ना आंच हल्की कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा यूँ धुआं ना निकले, ज़्यादा जलने लगता है इस तरह से पराठा तो। और आज संडे भी है और आज 14 अगस्त भी है। और जो है ना मेरे बच्चे बहुत उनकी ख्वाहिश थी कि उन्होंने बहुत प्यारे से ड्रेस लिए, फुल कहते हैं कि हमने आज तैयार होने, और बहुत खुश थी। इस वजह से मैंने उनके लिए जल्दी उठी थी कि उनको जो है ना फ्रेश होके उनको फ्रेश करना है, और फिर उनको नहला के और उनको तैयार भी करना था। ये बाबा मुझसे आके ये पूछते हैं कि मामा कब हमें तैयार करेंगी, कब हमें तैयार करेंगी। कहा अच्छा नाश्ता तो कर लो पहले, फिर मैं आप लोगों को तैयार करूँगी। ये देखिए पराठा कितना मज़े का रेड पराठा बना है। ये हो गया जी मेरा पराठा तैयार। चाय मेरी तैयार हो चुकी थी और मैंने जो है ना प्यालियों में डाल ली है, और मेरा नाश्ता तैयार हो गया। और अब जो है ना बच्चों के साथ नाश्ता करूँगी, और फिर हल्का सा मैंने कपड़े वगैरह जो है ना रात को धो लिए थे, और आज मैंने सिर्फ इनको नहलाना और तैयार करना था। संडे वाले दिन कपड़े संडे वाले दिन से एक दिन पहले बंदा धो ले ना सैटरडे को, तो फिर संडे वाले दिन आराम से गुजरता है। मेरी बेटियाँ नहा के जो है ना अब बिल्कुल तैयार हो रही हैं, कहती हैं मामा हमारे बाल बनाए।
और अब मैं ये बड़ी मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, इसको मैं अब जो है ना, इसको बहुत दिल था, इसको सबसे ज़्यादा जो है ना था कि मैं प्यार से कपड़े पहनूँ और तैयार हूँ, और अब मेरे बाल बनाए, मामा जल्दी करे मेरे बाल बनाए, और जो है ना मैं अब इसके बाल बनाने लगी हूँ, ट्विस्ट करूँगी इसके बालों पे। इस तरह से मैंने जो है ना दो लड़ियाँ ले ली थी, तो बस इस तरह से करके मैंने अब एक एक में साइड से एक एक बार बाल लेती लूँगी ऐसे करके। और खुश बहुत है ये, बोलिए वो दूसरी जो है ना वो खुद को ही पहले मैं कहती है कि आप मामा देख आ रही है, मैं खुद जल्दी जल्दी कर लूँ, वो पहले ही करने लग पड़ी है खुद को ब्रश। बस इनके जो है ना तैयार हो गई है बाल, इसके बन गए। और अब जो है ना मैंने यहाँ पे पिन लगा देनी है इसको पीछे, ताकि बार बार आगे ना आए। और ये देखिए ये छोटी मेरी आयत, इसको तो ये कहती मामा मेरे पहले बना दो, बाबा देख रही है खुद को कि मैं कैसी लग रही हूँ। झंडा पाकिस्तान का उठाया हुआ है, कहती है मेरे मुंह पे टैटू बनाओ, इनके मुंह पे मैं टैटू बनाने लगी थी फ्लैग के पाकिस्तान के। मेरी दूसरी बेटी है मिशेल, इन्होंने एक जैसे कपड़े पसंद किए थे, शर्ट्स इनके लिए मैंने ली थी दुपट्टे ग्रीन कलर के, वाइट, और शर्ट पे जो है ना पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ था, और साथ पहनते थी इन्हें। कहती कैसे बना है, बहुत ज़बरदस्त टैटू इनके मुंह पे बने वैसे। अभी ये जो गीला था ना इसे मैंने चांद और सितारा इनके मुंह पे नहीं बनाया था, अब ये इसका सूख चुका था, तो मैं चलो मैं इनका तुम्हारा चांद और सितारा बना देती हूँ। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था हमने ये दिन, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जो है ना अलग एक मुल्क बना दिया है, जिसमें हमने जो है ना सुकून से रह रहे हैं। मेरे बेटा कहता है मुझे बनाओ, इसको बनाने लगी हूँ। बहुत मज़ा आया इस दिन, संडे भी था, छुट्टी भी थी इनको, और इस बात की भी खुशी थी कि आज 14 अगस्त है, और हमने तैयार होकर फिर उधर गए थे बहन के घर भी, वहाँ पे सब बच्चे बहुत मिल के खुश हुए, सेलिब्रेट किया हमने ये दिन, बहुत मज़ा आया। ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ये जो है ना मेरी छोटी देखे एक दिशा आती है, देखिए इस देखिए मेरा मुँह अच्छा कैसा लग रहा है ऐसे मैं बनाऊँगी तो। देखिए तैयार होकर मेरे बच्चे ऐसे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। देखिए ये भी तैयार हुआ था ना, ज़बरदस्त। ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। 14 अगस्त मुबारक।